अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, 8 बार के सांसद, वो भी सिटिंग सांसद, ऐसे नेता का टिकट काट कर किसी और को दे दिया जाए और वो उपतलक ना करे, ऐसा जिगर संभव अनुशासन और सहनशीलता संतोष गंगवार में ही है। वरना भाजपा से लेकर विपक्ष तक टिकट कटने और मनचाही जिम्मेदारी ना मिलने पर बगावतें हो जाती हैं। हर हाल में संतोष पार्टी के प्रति निष्ठा और सादगी का ही प्रतिफल है कि हाईकमान उन्हें ज्यादा वक्त तक बड़ी जिम्मेदारी से दूर नहीं रख सका और अब झारखंड का राज्यपाल बनाकर उनके नाराज समर्थकों को खुशी का बड़ा मौका दे दिया। बरेली में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, बरेली कॉलेज से BSc और कानून की पढ़ाई की और यहीं की राजनीति में सक्रिय होकर संतोष गंगवार ने रुहेलखंड के जिला बरेली में भाजपा का एक ऐसा किला बना डाला जहां बड़ी आंधियां भी उस पर असर नहीं डाल सकी। संतोष गंगवार वर्ष 1989 से लेकर साल 2009 तक लगातार 6 बार बरेली लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, ऐसा करिश्मा सिर्फ उन्हीं के नाम है। वर्ष 1948 में जन्मे संतोष गंगवार का राजनीतिक सफर 1984 से शुरू हुआ, राजनीति में कैसे आए इस सवाल पर कहते हैं कि आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। 1 वर्ष जेल काटने के बाद जब बाहर आया तो सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया था। कुछ वक्त बाद भारतीय जनता पार्टी की बरेली जिला कमेटी में महामंत्री पद का प्रस्तावित आया, जिसे स्वीकार कर लिया। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हो गई। संतोष ने वर्ष 1984 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी आबिदा बेगम से हार गए थे। इसके बाद वर्ष 1989 में फिर से चुनाव लड़े और जीत कर पहली बार संसद पहुंचे। इसके बाद 1991 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में और 2004 में लगातार बरेली से जीत कर संसद पहुंचते रहे। अटल सरकार में मंत्री बने। साल 2009 में वो कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरन से पराजित हो गए थे, लेकिन उसके बाद 2014 और फिर 2019 में लगातार जीत कर संसद पहुंच गए। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट कर छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बना दिया। इससे उनके समर्थक मायूस हो गए। बरेली में लंबे समय से सांसद चुने जाने वाले नेता का टिकट कटना उनके समर्थकों को गहरी निराशा में ले गया। छिटपुट विरोध भी देखने को मिला, लेकिन संतोष गंगवार की तरफ से नाराजगी भरा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। उनका यही अंदाज संतोष को बरेली ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत में थोड़ा अलग रखता है। आखिर में भाजपा ने एक बार फिर बरेली से जीत दर्ज की और छत्रपाल गंगवार सांसद चुनकर संसद पहुंचे। संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा और अब जब राष्ट्रपति ने कई राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति की तो उसमें संतोष गंगवार को झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी। इस खबर ने संतोष गंगवार के समर्थक ही नहीं बल्कि बरेली के आम लोगों को भी खुशी दी है। इसलिए भी क्योंकि संतोष गंगवार बरेली से राज्यपाल बनने वाले शायद पहले नेता हैं। उनकी सादगी और संयम कायल हर कोई संतोष गंगवार सबके सुख दुख में शामिल होने वाले जमीनी राजनेता रहे हैं। यही कारण है कि राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के बाद ही उन्हें बधाई देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। संतोष गंगवार का अब नया ठिकाना भारत सेवा ट्रस्ट के बजाय झारखंड का राजभवन होगा।